हेलो क्लास, आज हम जीके में लेसन 5 कंजर्व नेचर पढ़ेंगे। कंजर्व नेचर मीन्स प्रकृति का संरक्षण करें। थ्री इम्पॉर्टेंट वेज टू कंजर्व नेचर आर। प्रकृति के संरक्षण के तीन महत्वपूर्ण तरीके हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा रिसाइकल का साइन है यानी चिन्ह है, जिन्हें हम 3 R's भी कहते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स टू मेक न्यू थिंग्स फ्रॉम यूज्ड थिंग्स। रिसाइकल का मतलब होता है इस्तेमाल की हुई चीज़ों से नई चीज़ें बनाना। इन द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग वी सेपरेट द वेस्ट एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में हम कचरे को बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल के रूप में अलग करते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिसकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। बायोडिग्रेडेबल कचरे को मिट्टी में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हें विघटित कर देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वेस्ट डज नॉट डिसकम्पोज इजली। और जो गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट होते हैं यानी कचरे होते हैं, वो आसानी से प्रकृति में विघटित नहीं होते हैं। हम आपको बता दें, बायोडिग्रेडेबल मीन्स होता है जो प्राकृतिक रूप से पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाए, ताकि पर्यावरण को कोई हानि न हो, नुकसान न हो। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो पृथ्वी में घुल मिल नहीं पाते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या अंतर है। नेक्स्ट है, सॉर्ट दी फॉलोइंग थिंग्स इंटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स। निम्नलिखित चीज़ों को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को क्रमबद्ध करें और उन्हें सही कॉलम में लिखें। तो आप लोग क्लू बॉक्स में देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से हम जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसमें राइट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम बायोडिग्रेडेबल वाले कॉलम में भरेंगे पेपर। पेपर मीन्स होता है कागज़। वेजिटेबल पील्स यानी सब्जियों के छिलके, रैपिंग शीट्स लपेटने या ओढ़ने वाली चादरें, ओल्ड क्लॉथ यानी पुराने कपड़े, लिजर्ड एंड कॉकरोच छिपकली और कॉकरोच, एम्प्टी वुडन बॉक्सेस यानी खाली लकड़ी के बक्से। तो ये जो हैं ये बायोडिग्रेडेबल हैं। ये वे कचरे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाते हैं, ताकि हमारी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। और यहाँ पे है नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी गैर बायोडिग्रेडेबल। इसमें है क्रिस्टल ग्लासेस यानी क्रिस्टल कांच, बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, प्लास्टिक बैग्स यानी प्लास्टिक के थैले, फिजी ड्रिंक्स कैंस यानी फिजी ड्रिंक्स के डिब्बे, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल्स। तो ये जो हैं ये हमारी पृथ्वी में आसानी से घुल मिल नहीं सकते हैं, इसलिए इन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम एक्स्ट्रा डोज में पढ़ेंगे व्हाट मेक्स आवर इन्वायरमेंट डर्टी। हमारे पर्यावरण को क्या गंदा करता है? द गार्बेज फ्रॉम फैक्ट्रीज, हाउस होल्ड्स एट्सेट्रा विच वी डंप इन आवर सराउंडिंग्स और नियर बी प्लेसेस मेक्स आवर इन्वायरमेंट डर्टी। कारखानों, घरों आदि से निकलने वाला कचरा जिसे हम अपने आसपास डंप करते हैं या फेंक देते हैं, हमारे पर्यावरण को गंदा कर देता है।
स्टूडेंट्स प्लीज सेव आवर इन्वॉल्वमेंट।